ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है अभी, इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको, किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी, क्या तर्क देंगे उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, क्या तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायक समूहों के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में, जो आपने 10 लाख की वादा किया, किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपटा लिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे, 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे, चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं, हम लोग तो रात रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है, कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है, आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे, क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको, अब देखिए इस पर क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए, कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है, लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं। और आगे यही है कि खेला भी बाकी है, और हम लोग मिल करके जो है जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। सर एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था, आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे, उपमंत्री रहे, हर जगह आप साथ बैठ रहे, आप तो जान ही रहे, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे मंच से, हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ, आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकार और बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया, कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे, बीजेपी ने कहा शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना, इससे ज़्यादा भी हम इंडिया गठबंधन आपका खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो पलटी मार दिए, पूरा देश पूछ रहा है। नहीं इस पर क्या बोलना, ज़्यादा हमको नहीं कहना, इसमें जवाब जनता देगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।